नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन कराने आए प्रत्याशियों में दिख रहा खासा उत्साह। डॉक्टर प्रीति सहित कई लोगों ने भरा पर्चा। सड़क के बीच बने गड्ढे में जमा गंदा पानी में बैठी कांग्रेस विधायक स्नान कर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। प्रखंड में चल रही विकास योजनाओं का डीएम ने किया स्थल निरीक्षण, खामियां देख कर्मियों को लगाई फटकार। और बिहार में मालगाड़ी के डिब्बे हुए डिरेल, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। अब खबरें विस्तार से। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए 16 सितंबर से एनआर कटाने और नामांकन का सिलसिला जारी है। शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर भागलपुर एडीएम कार्यालय परिसर स्थित नामांकन केंद्र पर बुधवार को प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा गया, जहाँ अलग अलग वार्ड से पहुंचे संभावित प्रत्याशियों ने महापौर, उपमहापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। दूसरे चरण के चुनाव नामांकन के लिए महज 3 दिन का समय शेष रह गया है, जिसमें कई बड़े नाम समेत सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करना है। जबकि बुधवार को भी भारी तादाद में प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कराकर जीत का दावा भी किया। अब इस दौरान प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ भी नामांकन केंद्र और समाहरणालय परिसर में जुटी रही, जिन्होंने अपने नेता को शुभकामना देते हुए जनता का साथ होने का भी भरोसा जताया। कई प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर उत्साहित दिखे और एडीएम के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जबकि नामांकन के पहले प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से चुनाव में अपना समर्थन देने की अपील की। इधर वार्ड नंबर 19 के निवर्तमान पार्षद और पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने लगातार 4थी बार पार्षद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि इससे पूर्व भागलपुर गौशाला परिसर से निकलकर प्रीति शेखर ने पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन और सहयोग की अपील की। इसके बाद डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि वे लगातार 15 वर्षों से निगम पार्षद हैं और हमेशा समाज के लोगों के सुख दुख में साथ रही हैं। वहीं भागलपुर के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी ने भी बुधवार को महापौर पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि अपने समर्थकों के साथ लोगों से शहर का विकास करने और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा भी महापौर और उपमहापौर पद के कई प्रत्याशियों समेत काफी संख्या में अलग अलग वार्ड के लिए पार्षद पद के संभावित प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। हमारा ये कहना है, हम चुनाव नहीं लड़ाते, मन में भी नहीं था, लेकिन अति पिछड़ा ये महिला सीट हो गया तो इसलिए मन बन गया, समाज ने बोला कि चुनाव लड़ा, तो चुनाव जीतती है सविता जी। सबसे पहले 51 वार्ड घूमे, वार्ड की क्या समस्या है, समस्या जो भी होगा, नाली का समस्या या कूड़ा करकट की समस्या, सफाई का, और साथ साथ यहाँ पेयजल का बहुत कठिनाई, उसका निदान कर सरकार रुपया दुनिया भर दे लेकिन मेयर लोग खर्च कर नहीं पाता, ये काम होगा। भागलपुर होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 133 की बदहाल हालत को लेकर बुधवार को महागामा विधायक दीपिका पांडे ने भी सड़क पर बने गड्ढे में धरने पर बैठ गई। इस दौरान विधायक ने गड्ढे में स्नान कर केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह मामला दो राज्यों के बीच अटका हुआ है, जबकि केंद्र सरकार और सांसद भी समस्या के प्रति उदासीन बने हुए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि सड़क को बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है,
लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि आए दिन इस सड़क से दुर्घटना की खबर आती रहती है और स्थानीय सांसद ने इस क्षेत्र के लोगों से किए गए किसी भी वादों को पूरा नहीं किया। साथ ही सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ विरोध जताते हुए विधायक ने कहा कि रेल लाइन की बात हो या फिर सड़क निर्माण की या फिर ठाकुर गंगटी में सैनिक स्कूल बनवाने की बात हो, किसी भी कार्य को अभी तक सांसद ने पूरा नहीं कराया है। बता दें कि यह सड़क 3 जिलों को जोड़ती है और बिहार झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस सड़क निर्माण का मामला काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इसके कारण हर रोज यहाँ वाहनों और राहगीरों को सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। पास होने लगी है और वो बनने भी लगा, लेकिन इस NH पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। बहुत प्रयास के बाद दो जगह जहाँ कम गड्ढे थे, होरी चक पे चाहे विराम चक पे, उन गड्ढों को भरने का काम किया गया। ये बॉर्डर का क्षेत्र है, बिहार और झारखंड का मामला है, तो यहाँ के दोनों सांसद क्या कर रहे हैं, मेरा वो सवाल है। निशिकांत दुबे जी ने तो महगामा को आज तक एक भी जो वादा किया हो, चाहे वो रेल से जोड़ने की बात हो, चाहे अस्पताल बनवाने की बात हो, चाहे इत्र फैक्ट्री की घोषणा उन्होंने की है, ठाकुर गंगटी में सैनिक स्कूल खोलने की बात की है, चाहे ये जो NH का सड़क है, उनकी बहुत कम जिम्मेदारियां हैं केंद्र सरकार की। जो रोड गली नाली मोहल्ला देखने के लिए तो हम यहाँ मुखिया और विधायक और राज्य सरकार वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो काम केंद्र सरकार के अंडर है उस पर अगर आप लोग संवेदनशील नहीं होंगे, वहाँ कहीं विदेश से बैठे ट्वीट करेंगे, तो ये नहीं चलने वाला। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बुधवार को योजनाओं का निरीक्षण करने गोराडी प्रखंड के पिथना एवं सोनूडी सतजोरी पंचायत पहुंचे, जहां DM ने पिथना में बन रहे WPU की जांच की अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं इस दौरान DM ने सोनूडी सतजोरी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना के तहत बन रहे अमृत सरोवर घोरहा पोखर की खुदाई और मध्य विद्यालय सतजोरी का भी औचक निरीक्षण किया। इसको लेकर DM ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा, नल जल योजना, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल समेत कई विकास कार्यों का जायजा लिया है, लेकिन फिलहाल यहां बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम है और व्यवस्था को भी देखकर यहां की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा सकती है। साथ ही DM ने कहा कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का संचालन भी सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके कारण इस महीने का वेतन बंद करके उनसे स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मनरेगा के तहत जो काम हो रहे हैं वह संतोषप्रद है और जहां कमी है उसमें सुधार के लिए PO को निर्देश दिया गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान गोराडी प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन, कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार, रोशन समेत कई अधिकारी कर्मी और ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोगों ने कई स्कीम्स को देखा है, मनरेगा का, नल जल का, अन्य विभागों की स्कीम को। उसी क्रम में आंगनवाड़ी एक सेंटर भी जो बगल में पंचायत है वहाँ हम लोगों ने देखा, तो वहाँ बहुत अच्छा सेविका जो है संचालन कर रही थी, तो उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। उसी क्रम में इस विद्यालय में हम लोग आए हैं, तो यहाँ स्थिति अच्छी नहीं बताई जा सकती है, उपस्थिति भी बहुत कम है, विद्यालय का संचालन भी सही तरीके से प्रधानाध्यापक नहीं करवा पा रहे हैं, MDM जो खाने की क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। इस पे इनका वेतन बंद करके इस महीने का स्पष्टीकरण हम लोगों ने पूछने का आदेश दिया है और इनसे राशि की भी वसूली होगी। इस संबंध में DPO MDM को मेरे स्तर से निर्देश जाएगा कि जो विभाग का प्रावधान है कि अगर खाने की क्वालिटी घटिया हो और एवरेज अटेंडेंस जिस दिन निरीक्षण हुआ है उसके पहले के दिनों की तुलना में काफ़ी डिफरेंट हो, उसमें भिन्नता हो, तो उसमें राशि वसूली का प्रावधान है, तो 3 महीने की अंतर राशि की वसूली होगी। और अगर ये विद्यालय का संचालन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, BDO आकर के बीच बीच में देखेंगे, तो फिर इनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी, ये भी जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार के कैमूर में पंडित दीनदयाल गया रेल खंड स्थित रोहतास कुमाऊ स्टेशन के समीप मालगाड़ी के कुछ डब्बे पलट जाने के कारण भभुआ स्टेशन पर कोलकाता जम्मू तवी, हावड़ा न्यू दिल्ली सहित कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया, जिससे ट्रेन भभुआ स्टेशन पर खड़ी रह गई। वह इसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुमाऊ स्टेशन के समीप मालगाड़ी के कुछ डब्बे पलटने से
ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई, जबकि स्पीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आ रही सभी ट्रेनों को भभुआ रोड स्टेशन पर रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ा। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद RPF की टीम ट्रेन पलटने के कारणों का पता लगाने में जुट गई, जबकि ट्रेन में सवार यात्रियों में इसको लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ, डायबिटीज़ का नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई सिकंदरा थाना क्षेत्र के मंजेस गांव स्थित काला आहर में लगभग 6 महीने से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा विभिन्न जगहों पर ड्रिलिंग कर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक वर्षा होने के कारण सर्वेक्षण का कार्य लगभग 10 दिनों से बंद है। मंगलवार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की गाड़ी से 2 कर्मी मुआयना करने पहुंचे, जिसमें 1 GSI का कर्मी भागलपुर जिले के पैती गांव निवासी संतोष मरांडी अपने कपड़े उतारकर आहर में जमे पानी की गहराई का मुआयना करने उतरे। इसी क्रम में वे लापता हो गए। लगभग 2 घंटे तक खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सिकंदरा पुलिस के द्वारा जमुई के NDRF टीम को जानकारी दी गई। वहीं घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। यहाँ पर घटना हुआ कि हम लोग यहाँ आए थे कि हमारा मशीन उधर जो चल रहा है, अच्छा, वही देखने के लिए आए थे क्या पानी में कितना पानी गया है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर हम लोग वहाँ थोड़ा सा गाड़ी आगे तरफ रोक के मैं आगे तरफ चला गया, उसको बोला कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा देर बाद उधर से मैं जब आया, देखा कि गाड़ी में वो नहीं था, उसका गंजी और पैंट खुला हुआ था। तब मैं उस वहाँ से पीछे कदम इधर के तब दौड़ के आया कि देखा उसके यहाँ जूता खुला हुआ। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने और शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र और अभिभावक स्कूल के बरामदे पर ही धरने पर बैठ गए। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड के लौतन मध्य विद्यालय का है, जहाँ पर छात्र लगातार शिक्षकों की कमी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देख छात्रों के समर्थन में परिजन भी स्कूल पहुंच गए और छात्र के साथ धरना पर बैठ गए। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में कोई प्रधान शिक्षक नहीं है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई धरना पर बैठ कर विद्यालय में कोई दबाव बनाना चाहता है तो उसकी भी जांच की जाएगी। मध्य विद्यालय स्कूल में 4 टीचर हैं और 8 क्लास है, इसमें टीचर की कम है। 250-300 लड़का का रोज पंडित रहता है और टीचर 4 हैं, पढ़ाई लिखाई वो दिक्कत है, पठन पाठन में बहुत परेशानी होती है। सर एक उर्दू टीचर है, एक शारीरिक टीचर है, एक पंचायत टीचर है, एक प्रखंड टीचर है। आपको बताया ना कि उसकी जांच हम करवा लेते हैं, क्या मामला है। वीडियो वायरल आप जैसा कह रहे हैं कि हो रहा है, क्या सच्चाई है वो जानना जरूरी है। वीडियो तो आजकल बहुत सारा वायरल हो जाता है कुछ भी, लेकिन उसकी सच्चाई की जांच करनी आवश्यक है। और अगर कोई अभिभावक या कोई व्यक्ति समूह वो स्कूल में कुछ उपद्रव करना चाह रहे होंगे तो वो सही नहीं है। उनसे अनुरोध होगा मेरा कि वो स्कूल को सही से संचालित होने दें। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन कराने आए प्रत्याशियों में दिख रहा खासा उत्साह। डॉक्टर प्रीति सहित कई लोगों ने भरा पर्चा। सड़क के बीच बने गड्ढे में जमा गंदा पानी में बैठी कांग्रेस विधायक स्नान कर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। प्रखंड में चल रही विकास योजनाओं का डीएम ने किया स्थल निरीक्षण, खामियां देख कर्मियों को लगाई फटकार। और बिहार में मालगाड़ी के डिब्बे हुए डिरेल, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।